आखिर क्यों ससुराल प्रेम में घिरे केशव मौर्य? क्या है केशव मौर्य का ससुराल कनेक्शन? जिन तीन जगहों पर विरोध, वहां भाजपा के कट्टर समर्थक आखिर क्यों हुआ विरोध? क्या डिप्टी सीएम ने सिर्फ ससुराल की सड़क बनवाई? नमस्कार, स्वागत है आपको खुरबाजी के इस अड्डे पर। सिराथू सीट से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनका ससुराल भी इसी क्षेत्र में पड़ता है। गांव के लोगों का कहना है कि ससुराल प्रेम में केशव ने घर के लिए जा रहे रास्ते पर सड़क बनवाई, बिजली की भी व्यवस्था की, लेकिन यहां छोड़कर बाकी पूरा गांव विकास को तरस रहा है। सिर्फ यही नहीं, क्षेत्र के दूसरे गांव के लोग भी विकास को लेकर केशव प्रसाद मौर्य का विरोध कर रहे हैं। अपने ही गढ़ में प्रदेश के डिप्टी सीएम का विरोध हो, चुनाव के समय आरोप इस तरह के लग रहे हों, तो बात की तह तक जाना जरूरी है। आखिर क्या सच्चाई है? पहला विरोध, पत्नी के घर के पास दी सुविधाएं गांव को छोड़ा। केशव प्रसाद मौर्य ससुराल सिराथू के खूजा गांव में है। केशव के लिए जब यहां भाजपा एमएलसी सुरेंद्र चौधरी वोट मांगने पहुंचे तो ग्रामीणों ने विकास नहीं कराए जाने पर खरी खोटी सुनाई, जमकर हंगामा किया। कहने लगे कि ससुराल वाले घर की सड़क चकाचक कर दी गई है, गली गली में सड़क पक्की कर दी गई है, बिजली पहुंचा दी गई है, गांव की दूसरी सड़क चलने लायक तक नहीं है, पुलिया कई माह से ध्वस्त है, गांव के दूसरे हिस्से में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। कहने वाले कहते हैं कि ससुराल प्रेम ही उनके विरोध का कारण है। विरोध करने वाले अधिकतर भाजपा समर्थक ही हैं। दूसरा विरोध, पति लापता हुआ तो पत्नी ने किया था विरोध। सिराथू से टिकट कंफर्म होने के बाद पहली बार राजधानी से जब वह अपने गृह क्षेत्र पहुंचे तो यहां उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। वह जमीन का सौदा करने वाले बिचौलिया राजीव मौर्य की पत्नी जिला पंचायत सदस्य से मिलने गए थे। राजीव मौर्य 19 जनवरी से लापता थे। पूनम देवी के सामने कई महिलाओं ने राजीव की बरामदगी को लेकर उप मुख्यमंत्री के समक्ष भारी हंगामा किया था। तब केशव चुपके से वहां निकल गए थे। हालांकि अगले दिन ही विरोध करने वाली महिलाओं की ओर से पूनम माफी मांगने लगी। कहने लगी, यहां तो विरोधियों की चाल थी। उधर दो दिन बाद ही 25 जनवरी की रात यूपी एसओजी ने हरियाणा से राजीव को बरामद कर लिया था। अब राजीव भी इसे विरोधियों की साजिश बता रहे हैं, केशव को अपना राजनीतिक गुरु बता रहे हैं। तीसरा विरोध, हाईवे बना, जमीनों का मुआवजा नहीं मिला। लोगों का कहना है कि विधानसभा क्षेत्र से गुजर रही दिल्ली कोलकाता हाईवे से 6 लेन में अधिग्रहण की जा रही है, जमीन व मकान का उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। करीब 25 किलोमीटर की दूरी में हजारों किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन तथा मकान का अधिग्रहण हुआ है। मकान ध्वस्त कर दिए गए हैं पर अब तक मुआवजा नहीं दिया गया, इसे लेकर भी सिराथू में विरोध के स्वर गूंज रहे हैं। हालांकि लोग भाजपा का ही समर्थन करते हैं लेकिन केशव से विकास को लेकर उनकी नाराजगी है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।